लगी थी न्यायालय में पेश करने की, जहां से दोनों आरोपियों को जेल प्राप्त हुआ था। और जेल न्यायालय के द्वारा कोविड जांच करवाने के आदेश मुझे मिले थे। मैंने जिला अस्पताल जबलपुर से दोनों आरोपियों की कोविड 19 जांच करवाई थी, जिसमें एक आरोपी पॉजिटिव पाया गया और एक नेगेटिव। तो आज मैं पुनः इनकी सरकारी अस्पताल पुलिस अस्पताल जबलपुर से फिर से जांच करवाऊंगा, जांच के उपरांत जेल दाखिल करूंगा। ये पैदल आ रहे थे आप, क्या कारण है? पैदल हमारे गाड़ी ख़राब हो गई है, ये हमारे दुर्भाग्य है कि आज गाड़ी नहीं मिली। गाड़ी तो मिलती है पर गाड़ी ख़राब होने की वजह से इनको पैदल ले जा भी तो बुलवा सकते थे। हाँ, एम्बुलेंस तो बुलवा सकते थे, अब जब विषय अधिकारियों का था उन्होंने नहीं बुलवाई, तो इस संबंध में आप थाना GRP जबलपुर में जाकर के डी अफसर और TI साहब से संपर्क करें। आपका सब नाम बता दें। मैं प्रधान आरक्षक का, अभी मुझे नया नया प्रमोशन मिला है, उसको इंग्लिश में SCO बोलते हैं, और नाम मेरा SCO नन्हीलाल, क्रमांक 86 है। और बाकी की जानकारी हमारे वरिष्ठ अधिकारी। दोनों आरोपियों को जेल प्राप्त हुआ था और जेल न्यायालय के द्वारा कोविड जांच करवाने के आदेश मुझे मिले थे। मैंने जिला अस्पताल जबलपुर से दोनों आरोपियों की कोविड 19 जांच करवाई थी, जिसमें एक आरोपी पॉजिटिव पाया गया और एक नेगेटिव। तो आज मैं पुनः इनकी सरकारी अस्पताल पुलिस अस्पताल जबलपुर से फिर से जांच करवाऊंगा, जांच के उपरांत जेल दाखिल करूंगा। ये पैदल आ रहे थे आप, क्या कारण है? पैदल हमारे गाड़ी ख़राब हो गई है, ये हमारे दुर्भाग्य है कि आज गाड़ी नहीं मिली। गाड़ी तो मिलती है पर गाड़ी ख़राब होने की वजह से इनको पैदल ले भी तो बुलवा सकते थे। हाँ, एम्बुलेंस तो बुलवा सकते थे, अब जब विषय अधिकारियों का था उन्होंने नहीं बुलवाई, तो इस संबंध में आप थाना GRP जबलपुर में जाकर के डी अफसर और TI साहब से संपर्क करें। आपका सब नाम बता दें। मैं प्रधान आरक्षक का, अभी मुझे नया नया प्रमोशन मिला है, उसको इंग्लिश में SCO बोलते हैं, और नाम मेरा SCO नन्हीलाल, क्रमांक 86 है। और बाकी की जानकारी हमारे वरिष्ठ अधिकारी।